नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहां डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एची हाई स्कूल, कोट रोड, गिरिडीह। खेल खेल में छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गिरिडीह का एकमात्र बिगनर ए प्ले स्कूल। नामांकन जारी है। कबीर विज्ञान मंदिर के नजदीक पुराना उसी पुल सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया सम्मान समारोह। बीते लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। बाबूलाल मरांडी समेत कई भाजपाई रहे मौजूद। प्रभात खबर की ओर से नगर भवन में प्रतिभा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 600 प्रतिभावान छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। दूसरे सत्र में प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्चों को किया मोटिवेट। रथ यात्रा के अवसर पर आईसीआर रोड स्थित पुरातन शिवालय से निकाली गई रथ यात्रा। शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का किया गया भ्रमण। भगवान जगन्नाथ के जयकारे से माहौल हुआ भक्तिमय। काफी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। पुलिस दिखी अलर्ट। गिरिडीह जेल में बंद महिला नक्सली की बिगड़ी तबियत। बेहतर इलाज के लिए धनबाद किया गया रेफर। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। 2022 में पुलिस ने महिला नक्सली को किया था गिरफ्तार। और उत्तरी बचाओ की ओर से 500 पौधे का सर्कस मैदान में किया गया वितरण। कहा इस अभियान के तहत लगाए जाएंगे 1,00,000 पौधे। वन विभाग के अधिकारियों और अन्य लोगों ने की अभियान की सराहना। मदद की कही बात। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह से अभिनंदन विजय संकल्प सभा का आयोजन रविवार को बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर बीते लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर कार्य करने वाले सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का मुझे जो गौरव प्राप्त हुआ है उससे मैं अभिभूत हूँ। कहा कि असल में बूथ स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का अहम रोल लोकसभा चुनाव में रहा। कहा कि पूरे देश भर में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के काम और आप सभी के बदौलत आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बूथ को गढ़ने का काम असल में कार्यकर्ताओं ही तर्ज असल में कार्यकर्ता ही करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने काम किया उसी तरह से विधानसभा चुनाव के लिए काम करना है और भाजपा की सरकार राज्य में स्थापित करना है। मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, नूनलाल मरांडी, अशोक उपाध्याय, दिनेश यादव, चुन्नू कांत, विनय सिंह, प्रकाश सेठ, विनय शर्मा, मनोज संघाई, अनिल वर्मा, संदीप डंगाइट, सुभाष चंद्र सिन्हा, हरविंदर सिंह, सिकंदर हेम्ब्रम, श्याम कुमार, श्याम प्रसाद वर्मा, नवीन सिन्हा, विवेश जालान, महिला नेत्री शालिनी बैशाखियार, प्रोफेसर विनीता कुमारी, संजू देवी, उषा देवी, रीना शर्मा, कविता कुमारी, पिंकी सिंह, गुड़िया देवी, सोनिया कौशिक समेत कई भाजपा कार्यकर्ता व बूथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि वास्तव में चुनाव की हार और जीत तो पोलिंग बूथों पर होती है
और इसलिए पार्टी ने तय किया कि भाई हमें नेताओं का तो हम अभिनंदन करते रहते हैं, जीतता है उनका भी अभिनंदन करते हैं, अध्यक्ष है, मंत्री है, पदाधिकारी, उन सबका होता है। लेकिन जो हमारे कार्य को सामना करना पड़ता है, अगर गांव में कहीं कोई गड्ढा भी हो गया तो लोग कहते हैं कि बेटे आपके नेता चुनाव में तो आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन ये रोड ठीक नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, यानी जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं से भी जूझते हैं और जनता के सवालों का भी जवाब भी ये जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं, चुनाव के दिन ही नहीं बल्कि लगातार वो 365 दिन वो कार्यकर्ता वो सामना करते हैं, जनता के सवालों का वो जवाब देते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो कार्यकर्ता होते हैं सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं, और पार्टी का भी जो निर्णय होता है, पार्टी का भी जो कार्यक्रम होता है, वो भी अगर जनता तक पहुंचाने का कोई सेतु का काम करते हैं, सब बाहर के एम्बेसडर का जो काम करते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो गांव में जो कार्यकर्ता होते हैं, बूथों पर कार्यकर्ता होते हैं, वही कार्यकर्ता ये सब काम करते हैं। प्रभात खबर ने रविवार को नगर भवन में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान जिले भर के 600 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, जमुआ विधायक केदार हाजरा, मोगिया स्टील के CMD डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया, निदेशक त्रिलोचन कौर, कांग्रेस के प्रदेश सचिव अजय सिन्हा मंटू ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। इसके बाद अतिथियों को प्रभात खबर की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में BNS DAV की छात्राओं ने शानदार नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित सभी को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमाम अतिथियों ने प्रतिभावान बच्चों की सराहना की और इनका उत्साह वर्धन किया। इस दौरान जिले के सरकारी व निजी विद्यालयों के 600 से अधिक प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। इधर दूसरे सत्र में DC नमन प्रियेश लकड़ा, DDC दीपक दुबे, SDO श्रीकांत विस्पुते आदि ने बच्चों को अपने अभिभाषण से मोटिवेट किया। कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदीप अग्रवाल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव प्रमोद कुमार, CA विकास खेतान समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्वागत भाषण प्रभात खबर के संपादक जुवीश रंजन ने दिया, जबकि मंच संचालन प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ राकेश सिन्हा व ब्रांड डिविजन की सबिता कुमारी ने किया। मौके पर अनूप सरकार, सूरज सिन्हा, विनोद शर्मा, मृणाल सिंह समेत प्रभात खबर की पूरी टीम लगी हुई थी। और आपको ऊर्जा
परिवार के लोग और सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति इस हॉल में उन बच्चों की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर काम किया, नाम किया और उन बच्चों की सफलता से चमकते हुए अभिभावकों के चेहरे जिस हॉल की खूबसूरती में उचार करता है। मैं पुनः तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ और प्रभात खबर को इसे बेहतर कार्यक्रम के लिए धन्यवाद भी करता हूँ। चूंकि आज के इस हॉल में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशिष्ट उपस्थिति हमारे बच्चों की है, जो आज पहली बार सफलता का एक छोटा सा स्वाद चख रहे हैं, तो मैं आज जो कुछ कहूँगा कार्यक्रम सजाया गया है प्रभात खबर की ओर से। मैं प्रभात खबर को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक बच्चों को उत्साहित करने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सजाया है, जिसमें के जो प्रतिभावान बच्चे हैं उन्हें सम्मानित किया जाए, उन्हें ये सम्मान के प्रति एक जो अपना बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा और सम्मान के प्रति जो लगाव बढ़ता है तो इंसान आगे बढ़ना चाहता है। और मुझे बहुत खुशी है कि शहर के सारे बच्चों को, आज इतने बच्चों को आज बुलाया गया है कि काउंटिंग तो मैं नहीं बता सकता, मुझे लगता है तकरीबन 500 बच्चे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सारे बच्चों को सम्मानित करना और सारे बच्चों को उत्साहित करना ताकि वो अपने क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ें और एक आगे बढ़ने की ललक बनी रहे। एक बहुत अच्छा ही कार्यक्रम है और मेरी हार्दिक शुभकामना है कि बच्चे आगे बढ़ें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं इनके अभिभावकों को भी मैं सम्मानित करना चाहता हूं, या मन से मैं ऐसी भावना रखता हूं कि जो प्रयास अभिभावकों ने किया है उसी का रिजल्ट, या मैं समझूं कि जिस प्रकार टीचर्स, अभिभावक या जो सम्मिलित प्रयास है, ये जो प्रयास होते हैं इनसे बच्चों को जो निखरने का मौका मिलता है। बच्चे निश्चित रूप से खुद भी मेहनत करते हैं लेकिन सभी का सम्मिलित प्रयास होता है और सभी को ये खुशी मिलती है। लेकिन फिर भी बच्चों के सम्मान में उनके अध्यापक और उनके जो गार्जियन हैं वो अब स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं। मेरी ओर से सभी अध्यापक और गार्जियन को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। शहर के ICR रोड स्थित पुरातन शिवालय से रविवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह को सुसज्जित रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया गया। रथ यात्रा के दौरान जय जगन्नाथ के जयकारे से पूरा नगर गुंजायमान होता रहा। वहीं काफी संख्या में श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। नगर भ्रमण के पूर्व पुजारी सतीश मिश्रा के द्वारा पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा का पूजन कर विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाई आदि का भोग अर्पित किया गया। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा को श्रद्धालुओं ने माथे पर लेकर रथ में बिठाया।
नगर भ्रमण के पश्चात भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ 7 दिनों तक मौसी बाड़ी अर्थात गांधी चौक स्थित छोटकी काली मंडा में निवास कर भक्तों को दर्शन देंगे, जहां 7 दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन आरती होगी। इसके बाद पंचांग के मुताबिक आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान वापस मंदिर में प्रवेश करेंगे। रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही, जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात थे। वहीं नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, यातायात प्रभारी राजेंद्र प्रसाद महतो दलबल के साथ मौजूद रहे। आज पुरातन शिवालय दर्जी मोहल्ला गिरिडीह से रथ यात्रा निकाली गई है। इस वर्ष रथ यात्रा का विशेष महत्व है। इस साल रथ यात्रा का विशेष महत्व है क्योंकि रविवार को पुष्य नक्षत्र का संयोग इसके साथ जुड़ा हुआ है। यह रथ यात्रा भगवान का दर्शन मार्ग के मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के कष्ट निवृत्त होते हैं और वे पुण्य के भागी होते हैं। अपने जीवन में भगवान को लेकर संसार में यात्रा करना गिरहडी जेल में बंद महिला नक्सली की तबीयत बिगड़ने के बाद इसे धनबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रविवार को इसकी स्थिति सामान्य बताई गई। बताया गया कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस ने महिला नक्सली की तबीयत बिगड़ने से उसे भर्ती कराया है। बताया जाता है कि निमियाघाट निवासी तुला बास्की की पेट के गांठ होने के बाद यह काफी दर्द में थी, जिसके बाद इसे भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 2022 में हजारीबाग से महिला नक्सली को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे गिरिडीह जेल में रखा गया था। बताया जा रहा है कि तुला बास्की के पति भी नक्सली है, इस वजह से अस्पताल में भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच नक्सली को रखा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। रथ यात्रा के उपलक्ष्य में उसरी बचाओ अभियान के सदस्यों ने रविवार को गिरिडीह हाई स्कूल मैदान में निःशुल्क 500 पौधे का वितरण किया। उसरी बचाओ अभियान के द्वारा जेएस सिन्हा, वन विभाग के पूर्वी जोन के डीएफओ मनीष तिवारी और पश्चिम जोन के डीएफओ मनीष सिंह ने इस अभियान को बेहतर करने में वन विभाग का साथ देने की बात कही। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार आज का यह कार्यक्रम किया गया। इस दौरान गुलमोहर, अमरुद, आम, नीम, जामुन आदि फलदार और छायादार पौधों का वितरण किया गया। बताया गया कि उसरी बचाओ अभियान की कोर कमेटी सलाहकार समिति और सदस्य की बेहतर सोच का नतीजा है कि अब तक लगभग 2000 पौधे सहयोग से मिले हैं। सहयोगदाता में मनी सलूजा, सलूजा गोल्ड, पूर्व एमएलए निर्भय सहाबादी, संजय यादव, राजीव रंजन, तनुजा सहाय, कुसुम सिन्हा, अजय सिन्हा, मंटू, शिवेंद्र सिन्हा, संजीव सिन्हा, प्रमोद कंधवे, इरफान आलम, अमृत सिंह आदि शामिल है। लगभग लाखों पेड़ को इस गिरिडीह के आसपास में लगाया जाए। उस समय तो प्रशासन यहाँ पे आई थी और डीसी महोदय ने शुरुआत की थी। पूरे प्रशासन के तरफ से भी यह चलाया जा रहा है। मेहनत करके हम लोग खड़ा कर दिए हैं। आगे बेहतर करने के लिए आम जनमानस के दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि पर्यावरण की स्थिति जो बहुत गड़बड़ हो रही है और ये पर्यावरण को सुधारने के लिए सभी को लगना पड़ेगा। तमाम मीडिया बंधुओं को भी हम धन्यवाद देते हैं कि वो लगातार इस कार्यक्रम को दिखा रहे हैं और तेजी से काम कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। अभियान के तहत आज 7 जुलाई को बीटी फील्ड में पौधा वितरण का कार्यक्रम था और बहुत लोगों ने आकर के पौधे को लिया और अवेयर हो रहे हैं लोग, ये अच्छी बात है।
और आज रथ यात्रा है, रथ यात्रा की शुभकामना के साथ बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे गिरिडीह में लगेंगे, वो सारे जगह जा रहा है और वहाँ के लोग भी अवेयर हो रहे हैं। और इसमें राजेश जी हैं, कृष्णा सर हैं और बहुत कोई हैं हमारे गिरिडीह के, जो इसमें बहुत अपना बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं, अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जितने भी तमाम लोग आए हैं, ये बिल्कुल पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण सही हो। घर घर पेड़ लगाओ अभियान चल रहा है, आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के पौधा एक एक पौधा प्राप्त किए, ऐसे जिनको जगह है अधिक से अधिक भी पौधा लगा सकते हैं। हमने अभी 110 पौधा लगवाया था पिछले साल, उसमें राजेश जी भी गए थे और पौधा का हम लोग लगाए, पौधा बहुत अच्छा बढ़ रहा है, मैंने बहुत 10 दिन हुआ है। और यहाँ भी पौधा भीतर हम लोग घर ले जाइए और पौधा अच्छा से लगाइए, और जिनको भी जो पौधे का ज़रूरत हो वो आप राजेश जी को कहिए, हमको कहिए, हर तरह का पौधा मिलेगा, जिस तरह का पौधा का ज़रूरत हो उस तरह का पौधा उपलब्ध है। आज हमने 25 पौधा यहाँ पर आम का, नीम का, बेल पीपल का, ये सब पौधा उपलब्ध कराए, और भी जिनको जितना ज़रूरत होगा उतना पौधा हम देंगे। वेटरनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड गिरिडीह के बैनर तले रविवार को सिरसिया स्थित एक आवास पर पुरुष सैनिक संगठन गिरिडीह के सदस्यों की एक बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य 26 जुलाई को आयोजित होने वाले एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता नवीन कांत सिंह ने किया। बताया गया कि नगर भवन में कार्यक्रम किया जाएगा, यह कार्यक्रम कारगिल विजय दिवस रजत जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। बताया गया कि उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएगी। कहा गया कि कार्यक्रम को धूमधाम से आयोजित करना है। बैठक में संगठन के सचिव अमित रंजन, कार्यकारी सदस्य दिलीप शर्मा, आर के वर्मा, अजीत कुमार, अरविंद सिंह, रवि द्विवेदी, बीपी यादव, दशरथ किश्कु आदि उपस्थित थे। आज का यह बैठक पूर्व सैनिक जिला संगठन का रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कि जो शहीद हमारे कारगिल के दौरान, कारगिल युद्ध जो हुआ उसमें जो जवान हमारे शहीद हो गए, उनके याद में 26 जुलाई 2024 को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाने जा रहे हैं, जो हमारा नगर भवन में होगा। और इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है एक शाम शहीदों के नाम, उन शहीदों को याद किया जाएगा। और उस विजय दिवस को हम लोग बड़े उत्साह से पहले भी मनाते आ रहे हैं और इस वर्ष भी मनाने की बात हुई है। इसी योजना के तहत आज हम लोग बैठे हैं और इसकी कार्य योजना बन रही है, और इसके अंतर्गत ही हम सारे जिला वासियों से आमंत्रित करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि इस विजय दिवस में अपनी भी सहभागिता दें, तन से, मन से, धन से हमारा सहयोग कर सकते हैं और इस देश की गरिमा को बनाए रखने में, इस देश का जो हमारा महत्व है, सैनिकों का महत्व है, उसको बढ़ाए रखने में आप सबका सहयोग हमें चाहिए। आप ज़रूर हमारा सहयोग करें। सबको जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। दोबारा से बोलो ना, आज ये की यह बैठक गिरिडीह पूर्व सैनिक संगठन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन झारखंड की तरफ से रखा गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि 26 जुलाई 2024 को होने वाले कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के प्रोग्राम के उपलक्ष्य में है। उस प्रोग्राम को कैसे सफलतापूर्वक करना है इसके बारे में चर्चा हो रही है। और इस प्रोग्राम में मैं गिरिडीह के पूर्व सैनिक संगठन के सचिव होने के नाते पूरे गिरिडीह शहरवासियों को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने रविवार को गांडेक के मनकडीहा गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSP का उद्घाटन किया। यहां बतौर मुख्य अतिथि इन्होंने विधिवत रूप से फीता काट कर शुभारम्भ किया।
इसके बाद वहां उपस्थित भीड़ सभा में तब्दील हो गई, जहां स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा डॉक्टर सरफराज अहमद का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बाद में मंच पर उपस्थित कई वक्ताओं ने सभा मंच से डॉक्टर सरफराज अहमद के कार्यशैली व उनके राजनीतिक तजुर्बे पर प्रकाश डाला। इस दौरान डॉक्टर सरफराज अहमद ने CSP संचालक मोहम्मद अजहरुद्दीन अंसारी को मुबारकबाद दिया। वहीं उन्हें ईमानदारी पूर्वक अपने क्षेत्र के लोगों को युक्त CSP के जरिए सेवा प्रदान करने की सलाहियत दी। CSP संचालक मोहम्मद अजहरुद्दीन अंसारी ने बताया कि यहां से ग्राहकों को मुख्य शाखा जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की हमारी कोशिश रहेगी। इसके अतिरिक्त सभी बैंकों के पैसे निकासी एवं जमा की सुविधाएं भी उपलब्ध रहेगी। इस मौके पर पंचायत मुखियापति अब्दुल रशीद, जब्बार अंसारी, इरशाद अंसारी, मुफ्ती अख्तर, मुख्तार अंसारी, मकसूद अंसारी, मोहम्मद सभा अंसारी, समीम अख्तर, मोहम्मद फखरुद्दीन, अब्दुल हक, महफूज मौलाना, आलम अंसारी, नसीर अंसारी, अब्दुल रहीम यानी अंसारी, नसरुद्दीन अंसारी, फारूक अंसारी, मतुर्जा अंसारी, कासिम अंसारी, आजिम अंसारी समेत कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। इसके बाद डॉक्टर अहमद माथाशेर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बीते दिन हज से लौटे हाजी सनाउल्लाह अंसारी से मिलकर उन्हें मुबारकबाद पेश किया और उनका हाल चाल जाना। उसके बाद फुलझरिया पंचायत के कोरियाद गाँव पहुंचे, जहां बीते 3 अप्रैल को 18 वर्षीय युवक शहाबुद्दीन अंसारी का केरल में करंट के चपेट में आने से मौत हो गई थी, उसके परिवार वालों से मिलकर हिम्मत दिया। इसके बाद फुलझरिया गांव पहुंचे, जहां बीते दिन हज से वापस लौटे पूर्व जिला परिषद व जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रिजवानुल हौदा से मिलकर उन्हें मुबारकबाद पेश किए एवं हाल चाल जाना। मैं हेमंत सरकार ने जो कामों की शुरुआत की है, बहुत सारे योजना की उन्होंने शुरुआत की है, जैसे बच्चों की पढ़ाई का हुआ है, लोन देने की बात है, बुजुर्गों को पेंशन देने की बात है, अभी 1,000 रुपया जो महिलाओं के पेंशन की बात है, जिनकी उम्र 30 से 50 के बीच में है, उनको 1,000 रुपया उनके अकाउंट, जो कि जुलाई से ये कानून बना है। इसी तरह के बहुत सारे कामों की शुरुआत हेमंत सोरेन की सरकार ने की थी और जिसको चंपे बाबू जो है पिछले 5 महीने में लेकर आगे बढ़े। अब वही व्यक्ति पुनः मुख्यमंत्री बन हम लोग अगले टर्म में भी करने की प्रयास करें। मैं एक राज्यसभा सांसद होने के नाते मेरा कार्य क्षेत्र तो ही है, मेरी जमीन तो ही है, तो हम यहीं रहेंगे, यहीं आते जाते रहेंगे। ये हमारी जीवन के राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी ज़मीन से हुई है। आप यकीन रखें कि इस ज़मीन को हम कभी जिंदगी भर छोड़ नहीं सकते। सीधे तौर पर सर, गांडे विधानसभा के लोगों को आपके प्रति एक अलग टाइप का मोहब्बत देखा जाता है, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए हमारा और इन लोगों का जो संबंध है ये कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है, ये जज्बाती रिलेशन संबंध है। और मैं नहीं कहता हूँ कि सबों का, बल्कि अधिकांश लोगों का गांव में, पंचायतों में, मोहल्लों में मैं नाम से लोगों को जानता हूँ और मैं समझ जाता हूँ कि इस इलाके में किन इलाके में किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या होने से इन लोगों को फ़ायदा होगा, वो मैं करता रहता और आगे भी इंशाल्लाह करता हूँ। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया सम्मान समारोह। बीते लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। बाबूलाल मरांडी समेत कई भाजपाई रहे मौजूद। प्रभात खबर की ओर से नगर भवन में प्रतिभा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 600 प्रतिभावान छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। दूसरे सत्र में प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्चों को किया मोटिवेट। रथ यात्रा के अवसर पर ICR रोड स्थित पुरातन शिवालय से निकाली गई रथ यात्रा, शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का किया गया भ्रमण। भगवान जगन्नाथ के जयकारे से माहौल हुआ भक्तिमय, काफी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल, पुलिस दिखी अलर्ट। गिरिडीह जेल में बंद महिला नक्सली की बिगड़ी तबियत, बेहतर इलाज के लिए धनबाद किया गया रेफर। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। 2022 में पुलिस ने महिला नक्सली को किया था गिरफ्तार।
और उत्तरी बचाओ की ओर से 500 पौधे का सर्कस मैदान में किया गया वितरण। कहा इस अभियान के तहत लगाए जाएंगे 1,00,000 पौधे। वन विभाग के अधिकारियों और अन्य लोगों ने की अभियान की सराहना, मदद की कही बात। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत, कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।